लेट के इक्वल टू 1 डिग्री, देन प्रूव दैट समेशन ऑफ दिस एन इक्वल टू 0 से लेकर 88 तक 1 बाई cos nk इंटू cos n+1 इक्वल टू प्रूफ करना cos k/sin²। देखो k का वैल्यू 1 डिग्री है, ये प्रूफ करना है समेशन। देखो समेशन को प्रूफ करने के लिए ये जो नीचे में एंगल दिया हुआ है ना nk और n+1, इसका डिफरेंस करो, एंगल का डिफरेंस n+1 - nk कितना बचा, nk बचा। और जितना डिफरेंस आता है उसका साइन से ऊपर इंटू करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 से लेकर 88 तक, और साइन ऑफ k करेंगे ऊपर में, और डिवाइड में हो जाएगा cos nk * cos n+1 k, ये होगा। और डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड जो करेंगे वही बाहर आ जाएगा 1 बाई sin k, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो 1 बाई sin k बाहर लिखेंगे, और यहाँ पे समेशन होगा, ऊपर में जो साइन k लिखा हुआ है उस k के प्लेस पे लिख देंगे n+1 ऑफ k - nk, इतना लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड में है cos nk * cos n+1 ऑफ k, ठीक है इतना। इसके बाद देखो, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते, अच्छा क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, LHS लेके चल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो ये ऊपर में sin a - b हो गया, तो sin a - b का फार्मूला लगा देते हैं। तो sin a - b का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin a - cos n k - cos n+1 ऑफ k - sin n k, इतना होगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। और डिवाइड में लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने देंगे, मतलब cos nk * cos n+1 k, ठीक है यहाँ तक। अब 1 बाई sin k यहाँ पे करते हैं, 1 बाई sin k, और इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं सेपरेट। तो दिस मतलब sin n+1 k cos n k / cos n k cos n+1 k, तो cos n k कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan n+1 k, ठीक है, माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो cos n+1 k कट जाएगा, तो ये बचेगा tan n k, इतना बचा। अब जो n का वैल्यू हो 0 से लेकर 88 तक है, तो n का वैल्यू रखते जाओ, तो 1 बाई sin k यहाँ पे आएगा, और जब हम n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे, रखते हैं 0 पहले, 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan k - tan 0, यह आएगा प्लस, अब 1 रखो, जब 1 रखेंगे तो ये होगा tan 2 k - tan k, ठीक है, प्लस 2 रखो, तो जब 2 रखेंगे तो tan 3 k - tan 2 k बचा, इसी तरीके का चलता जाएगा, कहाँ तो जाएगा, जब 88 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 89 k - tan 88 k, इतना होगा ना, ठीक है। तो अब देखो इससे फायदा क्या हो रहा है कि फर्स्ट ये इसका जो टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड वाला का सेकेंड टर्म से कट जाएगा, है ना। फिर देखो इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड वाला का सेकेंड टर्म से कट जाएगा, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कट जाएगा। इसी तरीके से ये जो 3k है इसका नेक्स्ट का इससे कट जाएगा, तो ये जो 88 है ना वो 88 भी कट जाएगा इसके पहले वाला का, इसके पहले वाला का फर्स्ट वाला टर्म से, क्योंकि इसके पहले भी 2 टर्म होगा, इसके पहले जो 2 का टर्म होगा उसका फर्स्ट वाला से ये लास्ट वाला कट जाएगा, और ये लास्ट वाला उसके पहले वाला टर्म से कटेगा, है ना। तो क्या बचेगा, tan 89 k बचेगा, और यहाँ -tan 0 हो गया। तो देखो क्या क्या बच गया, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ 1 बाई sin k लिखते हैं, और यहाँ बच जाएगा tan 89 k - tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये बच जाएगा 1 बाई sin k और tan 89 k। और देखो tan 89 k को क्या लिखेंगे, k का वैल्यू तो 1 डिग्री है ना, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ k का वैल्यू 1 डिग्री, तो tan 89 k को लिखेंगे tan 90 k - k, इतना लिख सकते हैं ना। देखो tan 90 k - k लिखेंगे, और डिवाइड में आ जाएगा sin
के। अब अगर के का वैल्यू 1 रखेंगे, के का वैल्यू 1 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन 1 डिग्री। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ये होगा कॉट 1 डिग्री और डिवाइड में हो जाएगा साइन 1 डिग्री। अब कॉट 1 डिग्री को कॉस 1 डिग्री बाई साइन 1 डिग्री लिखेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर 1 डिग्री आ जाएगा। अब 1 डिग्री का वैल्यू के था, के रख दो तो ये हो जाएगा कॉस के बाई में साइन स्क्वायर के। देखो क्या यही लाना था, देखो क्या लाना था, कॉस के बाई साइन स्क्वायर के, है ना, यही हो गया। तो एलएचएस लेके चले, उसको सॉल्व किए तो आ गया आरएचएस, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? देख लो एक बार फिर से। ओके।